वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की वीडियो करते हैं हम मोबाइल होल्डर की। जो मोबाइल होल्डर हमने अमेज़ॉन से मंगाया है और उसको इंस्टॉल करते हैं अपनी बॉबर 42 में, और साथ में उसका अनबॉक्सिंग वीडियो दिखाता हूं, देन उसका इंस्टॉलेशन वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ इस तरह की पैकिंग में आता है। ये एलो फिंस गियर्स, जॉ ग्रिप, बाइक फोन माउंट, 18 मंथ्स की इसकी वारंटी है और करीब 1200 रुपये, 1100 कुछ रुपए का मेरे को पड़ा ये अमेज़ॉन से, 1199 का अमेज़ॉन से पड़ा है। और इसके बॉक्स पे फॉर वारंटी रजिस्ट्रेशन के लिए QR कोड दिया हुआ है, इंपोर्टेड एंड मार्केटेड बाय येलो फिंस। ये इसमें जो साइज के अटैच हो सकते हैं मोबाइल वो सब है, और साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल के लिए कंपैटिबल है ये। और जिस पे MRP प्रिंट है वो है 2199, 2199। ये इंपोर्टर की इसकी डिटेल है। अब इसके अंदर क्या क्या निकलता है चलिए चेक करते हैं। इस तरह का बॉक्स है, बॉक्स में क्या है चेक करते हैं। यहाँ पे इसकी बाकी डिटेल है। मैन्युफैक्चर्ड बाय कस्टमर लुकिंग्स, ये इसमें कुछ बार कोड है और इसको चलिए ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या इसके अटैचमेंट निकलते हैं। ये एक थैंक यू ग्रीटिंग, योर ऑर्डर मेड अवर डे, योर ऑर्डर मेड अवर डे, वी होप वी मेक यू विद अवर टाइस ऑफ क्राफ्ट विद लव फ्रॉम येलो फिंस गियर। और सेम ये इसके पीछे प्रोडक्ट कम विद एन 18 मंथ्स लिमिटेड वारंटी अगेंस्ट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, प्लीज रजिस्टर योर प्रोडक्ट फॉर वारंटी बाय स्कैनिंग QR कोड। इसका एक तरह से वारंटी कार्ड भी हो गया। ये सब प्रोसीजर दिया हुआ है हाउ टू माउंट, वैसे सिंपल है प्रोसीजर माउंट करने में, तो ये है। उसके साथ में एक ये अटैचमेंट आता है, मेटल तो नहीं लग रहा ये अटैचमेंट। ये स्कूटर्स वगैरह, जो स्कूटी वगैरह बाइक्स वगैरह हैं, उन स्कूटी जिनके बार एंड मिरर पे इंस्टॉल करने के लिए है, जिसमें हैंडल बार पे जगह नहीं होती है, ये इसका एक अटैचमेंट है। पॉलिथीन में एक ये जो उसका क्लैंप है बाइक पर माउंट होने के लिए, और ये मेन होल्डर है। चलिए इसमें चेक करते हैं पॉलिथीन ओपन करके। इस
पॉलीथीन में निकलता है, एक तो ये हैंडल में माउंट करने के लिए, ये इसका कनेक्टर है, बाकी ये हैंडल बार के रॉड के साइज़ के हिसाब से एडजस्ट करने के लिए कुछ एक इसमें एडजस्टमेंट दिए गए हैं। साथ में ये एक शायद डबल साइडेड टेप है, प्लस ये एक एलन की है, एल की, जिससे हम इसको यहाँ से ओपन करके अपने हैंडल बार पे माउंट कर सकते हैं। दूसरी जो मेन यूनिट निकलती है कुछ इस तरह की है, जिसमें इसमें खाली ये प्लेट प्लेट जो है मेटल की दिख रही है सिल्वर कलर की, बाकी ये थोड़ा प्लास्टिक का ही लग रहा है, लेकिन क्वालिटी थोड़ी सी ठीक सी लग रही है, पर ये मेटल का नहीं है। इसका जो पीछे स्क्रू है ये भी मेटल का नहीं है। से ये ओपन हो जाएगा इस तरह से। चलिए नेक्स्ट वीडियो इसका बनाएंगे, इसको माउंट आगे वीडियो में मिलते हैं, इसको माउंट करते हुए अपने बॉबर 42 में, और देखते हैं किस तरह वर्क करता है। तो चलिए हम आ गए, अब ये इंस्टॉल करते हैं मोबाइल होल्डर। इसके साथ में ये डबल साइडेड टेप, इसका अटैचमेंट, और जो ये मेन यूनिट है ये निकलती है। तो इसको देखते हैं हम इंस्टॉल कहाँ कर सकते हैं। एक तो ये यहाँ पे ऐसे इंस्टॉल हो सकता है, पर ऐसे इंस्टॉल करने पे ये मोबाइल होल्डर मीटर के कंसोल के ऊपर आएगा। पहले इसको चेक करते हैं कि ये कैसे आएगा। इसको इसमें लगा के कुछ ऐसे लगा देते हैं, तो ये इस तरह से लग जाएगा। और ये इसके साथ में एल की आती है, और ये कुछ इस तरह से लगेगा। या तो एक लोकेशन ये हो सकती है, चार्जर के ज्यादा पास इसको लगा नहीं सकते। और एक दूसरा जो ऑप्शन है वो है हमारे पास, हम इसको यहाँ पे इंस्टॉल करें, जो ये बार एंड मिरर है।
और ये भी डमी बोल्ट है, ये एक्चुअली मेटल के सॉलिड बोल्ट नहीं है, ये बस डमी लगा रखे हैं दावा में। बावर 42 में एक डमी बोल्ट है, तो अभी बोल्ट डमी है तो मैं इनको यहाँ पे नहीं लगा रहा, जब बाद में इसकी पोजीशन चेंज करूँगा तो मैं कुछ इस तरह से लगा दूंगा, ट्राई करके देखता हूँ। ये कुछ इस तरह भी कर सकता है, और इसके बाद हम इसको इस तरह यहाँ भी लगा सकते हैं। यहाँ पर लगाने का बेनिफिट और होता है, मोबाइल से कुछ वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो वो भी प्रॉपर रिकॉर्ड हो सकती है। तो मैंने जो जगह डिसाइड कर ली है, इसके साथ में ये जो स्ट्रिप आई थी, इसको पहले मैं यहाँ पर अटैच कर देता हूँ चार्जर के पास में। तो अभी इसकी पोजीशन मैंने एडजस्ट कर ली है अपने हैंडल बार के अकॉर्डिंग, व्यू एंगल के अकॉर्डिंग। स्टार्ट कर उसको, मैंने प्रॉपर टाइट कर दिया है एक लोकेशन पे। तो मैं इसको मोबाइल होल्डर को एडजस्ट कर देता हूँ, एक एडजस्टमेंट ये हो गया, ये वाला एडजस्टमेंट मैं हटा दूंगा क्योंकि ये जो डमी नट है, डमी नट का मेरे को ऐसे कोई ज्यादा यूज लगा नहीं, इसको मैं हटा दूंगा। और ये करने के बाद कुछ इस तरह से इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि बाइक हमारी सीधी है, मोबाइल किस तरह से आता है। और इस तरह से कुछ इसमें मोबाइल अटैच हो जाएगा, और इसको अगर जैसे भी एडजस्ट करना है तो नीचे से यहाँ से लूज करके इसका व्यू एंगल अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये जो लगाया तो इसमें अगर सामने की वीडियो भी लेनी है तो सामने की वीडियो भी प्रॉपर तरीके से
आ सकती है। ये कुछ इस तरह से मोबाइल अटैच हो जाएगा, तो चार्जर के पास मिले तो चार्जर से ही चार्ज करने में भी ईजी रहेगा। तो ये लगा दिया, अकाउंट लगा के आते हैं और देखते हैं कि यूएनएल कैसा आता है अपने मोबाइल होल्डर में। और उसके बाद ये इसकी कुछ पोजीशन ऐसे इंस्टॉल हुई है, इसको फिट कर देता हूँ अपने फ़ोन को मोबाइल होल्डर में फिट करके। इससे वर्टिकल पोजीशन में तो पूरा व्यू आ रहा है बढ़िया। अब एक शॉट लेते हैं, फ्रेंड्स ये थी कंप्लीट वीडियो मोबाइल होल्डर इंस्टॉलेशन विद मोबाइल माउंट के साथ में। और भी वीडियोस जो जावा बबर 42 से रिलेटेड हैं या और जो मेरी टिप्स की वीडियोस हैं वो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।